दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पंजाब की जीत के बाद कोलकाता दिल्ली को लगा करारा झटका, तो वहीं हैदराबाद बेंगलुरु को हुआ भारी नुकसान, और साथ ही साथ मुंबई और चेन्नई की स्थिति हुई और भी ज्यादा खराब। तो वहीं पंजाब और चेन्नई के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। चलिए दोस्तों आज हम आपको 38 मुकाबले हो जाने के बाद अंक तालिका के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब की तरफ से इस मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पॉइंट्स टेबल के बारे में बताने से पहले पंजाब और चेन्नई के बीच हुए शानदार रोमांचक मुकाबले के बारे में बताएंगे, और सबसे पहले चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए पंजाब की टीम को आमंत्रित किया, जिसमें पंजाब की टीम की शुरुआत विकेट जल्दी गिर गया, और लेकिन इसके बाद शिखर धवन और राजपक्षे की महत्वपूर्ण और खतरनाक बल्लेबाजी के कारण पंजाब की टीम संभल गई और अंत में लिविंगस्टोन की तेज तर्रार पारी और शिखर धवन की 88 रन की महत्वपूर्ण पारी की बदौलत पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 187 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें ब्रावो ने 2 और महेश ने 1 विकेट हासिल किया, और वहीं चेन्नई की टीम 188 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो चेन्नई की शुरुआत भी बेकार हुई और चेन्नई ने अपने पावर प्ले में 2 विकेट गंवा दिए, और इसके बाद एक तरफ से अंबाती रायडू ने मोर्चा संभाला तो वहीं दूसरी तरफ से विकेट पर विकेट गिरते रहे, और अंबाती रायडू की महत्वपूर्ण 78 रनों की 200 के स्ट्राइक रेट से आई पारी और अंत में धोनी और जडेजा की महत्वपूर्ण पारी की बदौलत चेन्नई की टीम जीत हासिल नहीं कर पाई और मात्र 176 रन 6 विकेट पर ही बना पाई और मुकाबले को 11 रन से हार गई। तो दोस्तों चलिए आप बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हुए 10वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जो आईपीएल की सबसे सफल टीम मानी जाती है, लेकिन इस आईपीएल के सीजन में सबसे बेकार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस टीम का, क्योंकि उन्होंने अभी तक 8 मुकाबले खेले हैं और सभी मुकाबलों को हारते हुए अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है, और जिसमें उनका नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है और उनका नेट रन रेट -1.0 हो गया है, और ऑफिशियली तो अब मुंबई की टीम प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, और आगे बढ़ते हुए 9वें पायदान पर आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में शामिल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जिसने अभी तक 8 मुकाबले खेले हैं और 5 मुकाबलों में हार के साथ 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करके 4 पॉइंट्स बटोरे हैं और पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद है, और इनका नेट रन रेट अपना 2 मुकाबले जीतने के बाद थोड़ा सा बेहतर हुआ है लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा खराब है, और इनका नेट रन रेट -0.54 हो गया है, और इसके बाद 8वें पायदान पर कोलकाता की टीम पहुंच गई है, जिसमें अभी तक 8 मुकाबले खेले गए हैं और 8 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करके तो वहीं 5 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए 6 अंकों के साथ 8 पायदान पर मौजूद है, और इनका नेट रन रेट है +0.80। तो वहीं इसके बाद आगे बढ़ते हुए 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिसने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और 7 में से 3 मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए तो वहीं 2 मुकाबलों में हारते हुए 6 अंक के साथ ठीक ठाक स्थिति में मौजूद है, और दिल्ली कैपिटल्स का रन रेट +0.715 पहुंच गया है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए 6वें पायदान पर पंजाब की टीम पहुंच गई है, जिसमें 8 मुकाबले खेले हैं और 8 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में हार तो वहीं 4 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है, और इनका नेट रन रेट दिल्ली के खिलाफ बहुत बुरी हार के बाद बिगड़ गया और इनका रन रेट -0.42 हो गया है, और इसके बाद 5वें पायदान पर बेंगलुरु की टीम पहुंच गई है, जिसने अभी तक एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 मुकाबले खेले हैं और 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए और 3 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए 10 अंकों के साथ हैदराबाद के खिलाफ बहुत ही बुरी हार के बाद 5वें पायदान पर पहुंच गई है, और इनका नेट रन रेट भी बहुत ही बेकार हो गया और इनका नेट रन रेट -0.472 है, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए 4थे पायदान पर लखनऊ की टीम पहुंच गई है, जिसने 8 मुकाबले खेले हैं और 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए आपको बता दें कि 3 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए 4थे पायदान पर मौजूद है, और इनका नेट रन रेट भी बहुत ही शानदार हो गया और उनका नेट रन रेट +0.33 हो गया, और अभी इस टीम को कोई भी दिक्कत नहीं है, और वहीं अंक तालिका में 3रे पायदान पर राजस्थान की टीम पहुंच गई है, जिसने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज करते हुए तो वहीं 2 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए 10 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, और वहीं अब आपको बता दें कि
इनका नेट रन रेट है +0.43। और वहीं दूसरे पायदान पर हैदराबाद की टीम बेंगलुरु के खिलाफ बहुत ही खतरनाक जीत दर्ज करते हुए पहुंच गई है, और हैदराबाद की टीम ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए, तो वहीं 2 मुकाबलों में हार का सामना करते हुए 10 अंकों के साथ हैदराबाद की टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। और हैदराबाद की टीम का नेट रन रेट लगातार 5 मुकाबले जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया है, और इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.69 हो गया। और वहीं इसके अलावा पहले पायदान पर गुजरात की टीम पहुंच गई है, और गुजरात की टीम ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और 7 मुकाबलों में से 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए, तो वहीं 1 मुकाबले में हार का सामना करते हुए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और इनका नेट रन रेट बहुत ही शानदार है, उनका नेट रन रेट है +0.396। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पंजाब की टीम प्ले ऑफ में पहुंच पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।